हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अगर क्लास 11 में है तो आप लोगों के लिए आज मैं इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आया हूँ। जो अभी शॉर्ट क्लिप अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेशन, इस शॉर्ट क्लिप से हजारों यूट्यूबर डेशन स्टूडेंट को डरा रहे हैं, भटका रहे हैं। सो गाइस, और बहुत सारे व्यू भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर आपको मैं बहुत ही पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अभी डेशन अभी जहाँ पे मेरा स्टूडियो है वो एक यूनिवर्सिटी के सामने है। कोई भी नोटिस आएगी, याद रखिए क्लास 8 से लेकर पीजी तक कोई भी नोटिस आएगी स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को एकदम सटीक सटीक आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट नोटिस होगी। आज जो शॉर्ट क्लिप देख रहे हैं यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आज लगभग 250 से 300 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ये शॉर्ट क्लिप भेजकर और पूरा डर गए हैं कि मेरा एग्जाम यहाँ पे है। हकीकत में डेशन आपका एग्जाम कब से होगी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल डेशन आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और मेरी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको पता भी चलेगा नहीं कि आपको एग्जाम कब से है और रजिस्ट्रेशन कब हो गया है, किसका एग्जाम होगा किसका एग्जाम होगा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से डेशन सबसे पहले आप वीडियो को अंतिम तक देखें। ठीक है, अभी जो यहाँ पे आप शॉर्ट क्लिप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को आप लोग मेडिट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखा स्टूडेंट की आपके सबसे पहले जो नोटिस है आपको बता मुझे 2013 के लिए है या क्लास 11 और क्लास 9 के लिए है। कक्षा 9 की परीक्षा तिथि है स्टूडेंट याद रखिएगा 22/3/2023 से 29/3/2023 तक। फिर क्लास 11 का दिया है 25/3/2023 से 26/4/2023 तक। ये आपका क्लास 11 का है। ठीक है, तो इस पोर्टल में क्या बताया गया इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आप अच्छी तरह से जूम के माध्यम से देख सकते हैं। एक एक को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को मैं अच्छी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी पता चले कि हकीकत में हमारे एग्जाम कब से होगी और कब से नहीं। ठीक है, ए टू जेड आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए एक एक पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं सेट नंबर 1। ठीक है, सीरीज नंबर 1 क्या क्या है इसको ध्यान रखो। अवलोकन कर सके आपको जाके आपको साइबर कैफे में जाकर आपको करना क्या है, करप्शन पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। और ये कहां पे मिलेगा आपको मैं एंड में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये वेबसाइट आपको कहां से मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा में कहा गया कि उस एग्जामिनर ने फॉर्म सीट का अवलोकन कर दिया, यदि किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं तो यस का ऑप्शन का चुनाव करें। अगर आप जो अभी आपका ये हुआ है रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यस का सिंबल लगा आपको यस करना है, अगर करेक्शन नहीं चाहते तो नो का सिंबल लगा आपको नो क्लिक करना है। एग्जामिनर सर डाउन करेंगे तथा एग्जामिनर एग्जामिन इंफॉर्मेशन सीट को डाउनलोड करेंगे और विद्यार्थी या विद्यालय में जमा कर देंगे और आपको जो भी वहां पे सीट मिलेगा अगर कोई सही है तो सही कलर निकालना है, कोई गलत है तो उसको करेक्शन करने के बाद सर जो कैप है आपको वहां पे कैप कर देंगे, सही कर देंगे उसको। आपको याद रखिएगा आपको स्कूल हो या विद्यालय या यूनिवर्सिटी हो आपको वहां पे जमा करना है। 3 नंबर पर आते हैं कि 3 नंबर पर क्या कहा गया कि छात्र छात्रा द्वारा प्राप्त अनुरोध पर विश्वविद्यालय परिषद के वेबसाइट पर करेक्शन पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर स्कूल लॉगिन करें। यानी आप जब भी साइबर कैफे जाएं तो सबसे पहले आपको जो पासवर्ड दिया गया है वो आपको लेकर जाना है, अन्यथा आपका खुलने वाला नहीं है। ठीक है, 4 लेने के बाद आते हैं 3 में क्या गया, 3 में और कहा गया इन बातों को ध्यान रखें, जिन छात्र छात्राओं द्वारा संशोधन संबंधित अनुरोध किया गया होगा उनके नाम के सामने व्यू मॉडिफाई का ऑप्शन दिखेंगे, उस वक्त पर क्लिक करें, उस जगह पर आपको क्लिक करना है अगर कोई चेंजिंग करना है तो। उसके बाद आपको क्या करना है उसको अप्रूव करके डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड करने के बाद आपको स्कूल हो या कॉलेज हो वहां पे आपको जमा करना है। आज 4 नंबर में क्या कहा गया है, 4 नंबर में संशोधन अप्रूव करने के उपरांत डाउनलोड के कागजात परिषद कार्यालय में तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह पहले आपको जमा करना है। यानी आप जैसे ही निकालते हैं आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस काम को करें। तो हमें कहा गया यही कहा गया कि अंतिम रूप से आपको एग्जाम से पहले यानी आपका जो डेट दिया गया है यहाँ पे जो डेट कहा गया है कितने क्लास क्लास 9 के लिए 22 और क्लास 11 के लिए क्लास 9 के लिए 22 और क्लास 11 के लिए 25 तारीख को जो अभी डेट दिया गया है इस डेट से पहले आप जाकर आप जल्द से कर ले। ठीक है, ये वेबसाइट कहाँ पे मिलेंगे तो याद रखिएगा एक लिंक दे रहा हूँ, आपको इस पे आपको क्लिक करना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको डब्ल्यू जो दिख रहे हैं इसमें आपको याद रखिए इस वेबसाइट पे जाकर आप अच्छी तरह से साइबर कैफे पे जाकर आप तय कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग कोई घबराने की बात नहीं है कि आपका एग्जाम
आ चुका है। आपका एग्जाम जो 17 तारीख से निर्धारित की गई है जैक बोर्ड ने, बस उसी डेट पे होगी, ना उससे पहले और ना उससे बाद में। उसके बाद में हो सकता है पर उससे पहले नहीं होगा, बस इतना आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो डिशो उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि एग्जाम का डेट चेंजिंग नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट पागल की तरह दौड़ रहे हैं हमारा एग्जाम डेट चेंज हो गया है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से अपडेट रहना चाहते हो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। चलिए एक नया वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।